गुलजार इमाम शांबे की गिरफ्तारी आई थिंक बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी जो स्टोरी है इसमें मे बी टू मंथ्स यू नो और मे बी मोर देन अ ईयर। शांबे का भी अगर आप देखें तो इसको अफगान पासपोर्ट पे जो है ले जाया गया दिल्ली एंड देन यू नो उसकी जो फंडिंग हुई और जो भी डायरेक्शन आती थी नेशनल लेवल पे आपने बाहर भी देखना है लाइक ईरान सऊदी रिप्रोचमा हो रहा है और उसके अंदर वी हैव लॉट ऑफ गुड स्पेस विच इज़ बीइंग क्रिएटेड। गुलजार इमाम शांबे की गिरफ्तारी आई थिंक बहुत अहमियत की हामिल है और अगर कुलभूषण यादव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक ब्लू बर्ड था तो शांबे डेफिनेटली उससे कम नहीं है। द ओनली थिंग इज़ के बेसिकली वो वाज़ अ लॉज सब नेशनलिस्ट। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें और राइज भी देखें इसके अंदर इसने मेनली स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट और कुछ कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करता रहा। उसके बाद ही वॉज एनरोल्ड बाय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड देन ही वॉज बेसिकली फर्स्ट मेड अ डेप्टी टू ब्रह्मदास बुक्टीज ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन इसने फिर बलोच राज जोई संगर के नाम से एक ब्रास नाम की तंजीम में भी लिंचपिन का किरदार अदा किया एंड फाइनली ही लैंडेड अप एज चीफ ऑफ दिस बलोच नेशनल आर्मी। तो उस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है और अगर आप टाइमिंग भी देखें कि आजकल वेस्टर्न बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया जा रहा है तो उसमें रॉ वॉन्टेड के अभी जब थॉ हुआ है लेट से बॉर्डर पे तो इसमें बलोचिस्तान में स्पेशली एक्टिविटीज़ को स्टेप अप किया जाए तो उस लिहाज से इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अरेस्ट एंड आई कंसिडर के इट इज़ नॉट लेस देन कुलभूषण यादव अरेस्ट। अगर शांबे की गिरफ्तारी भी देखें एंड हाउ इज नेटवर्क वॉज पेनिट्रेटेड तो उस लिहाज से आजकल यू रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं है कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे इनसार करेंगे और ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली जब आपने पेनिट्रेट करना है नेटवर्क्स में तो इसकी जो स्टोरी है इसमें मे बी टू मंथ्स यू नो और मे बी मोर देन अ ईयर कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अबल तो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू पेनिट्रेट किया गया इसके सिंपथाइजर बनाए गए हुआ एक्टिंग लाइक यू नो पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और देन केम द टेक्नोलॉजी। इसमें जियो फेंसिंग है इसमें ड्रोन्स का यूज़ है जिसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस है और उस तरीके से फिर जितना नेटवर्क था उसको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। सो इस लिहाज से हाई टेक्नोलॉजी और अगर देखा जाए मिलिटेंट ग्रुप्स भी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करें लुक एट देयर स्नाइपर राइफल या एक्सप्लोसिव जो यूज़ करते हैं स्पेशली जो इंडिया से आता है एक्सप्लोसिव वो काफ़ी हाई टेक होता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी आई थिंक उसी रेल में जाके जवाब देना पड़ता है। तो इसके अंदर आई थिंक हाई टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और दिस इज़ ऑल्सो आई वुड से इनकरेजिंग कि हमारी एजेंसियां जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट है चाहे वो आर्मी है एफसी है आईएसआई है एमआई है या इवन आईबी है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दहशतगर्दी के खिलाफ आई थिंक कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। अगर आप पहले देखें तो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग था वो जो लेट्स से नाराज सरदार हैं सो कॉल्ड उनको सपोर्ट करती रही है बिकॉज दे देन फाउंड अ स्पेस। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें हरब्यार मरी की बलोच लिबरेशन आर्मी है इसको थ्रू आउट रिसर्च एनालिसिस विंग ने सपोर्ट किया इवन हिज हाउसिंग आउटसाइड वहाँ पे उसका स्टे उसका यूरोप में ही इज़ लोकेटेड उसमें प्राइवेट जेट्स भी हैं उसमें यू नो प्राइवेट बोट्स भी हैं वाइनिंग एंड डाइनिंग है तो उसके अंदर बेसिकली इट वाज वेरी कन्वीनियंट कि आप सीनियर लीडरशिप को इंगेज करें। इसी तरीके से ब्रह्मदास बुक्टी की बलोच रिपब्लिकन आर्मी है उसके साथ भी रॉ का कनेक्शन है ऑल दो देर आर सर्टन वेस्टर्न होस्टाइल एजेंसीज ऑल्सो इन्वॉल्व। अभी स्ट्रेटजी में चेंज आई आई थिंक जब से डॉक्टर अला नज़र बलोच मंजर आम पे आया तो दे रियलाइज के दे कुड टारगेट यू नो वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास उसमें दे कुड बी लाइक दिस गाय शांबे वॉज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्टर कम जर्नलिस्ट क्योंकि रिपोर्टिंग भी करता रहा अखबार के लिए तो इस तरीके से उठाया जाए और इसमें आई थिंक सरदारों को भी मैसेज है कि हम इतना खर्चा करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है तो देन वी रिजॉर्ट टू एंगेजिंग दी लोअर मिडिल कार्डर्स। और साफ ज़ाहिर है जहाँ पे लेट से देर आर एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं जॉबलेसनेस वहाँ बड़ा इजी है रिक्रूट करना। बाकी ये है कि इसको मीडिया कैसे प्रोजेक्ट करता है। इसी तरह असलम अच्छू था आपको याद होगा ही वॉज इंजर अफगानिस्तान में फिर वो मारा गया था उसका इलाज भी वहाँ पर होता। अभी शांबे का भी अगर आप देखें तो इसको अफगान पासपोर्ट पर जो है ले जाया गया दिल्ली एंड देन यू नो उसकी जो फंडिंग हुई और जो भी डायरेक्शन आती थी तो द न्यू स्ट्रेटजी इज नाउ टू टारगेट द लोअर क्लास वर्किंग क्लास और उसके अंदर दे फील के प्रॉब्ली दे बी एबल टू एंगेज द यूथ ऑल्सो। लेकिन जो काउंटर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला वो भी
बड़ी इफेक्टिव है और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो हमारी हुकूमती या नेशनल लेवल की स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है बलूचिस्तान पे, उसमें तीन आप कह लें स्ट्रीम्स हैं या तीन टीयर्स हैं। नंबर वन इज़ नेशनल पॉलिटिकल लेवल, जिसके अंदर अगर आप जाएं पिछले आई थिंक डेकेड से हुकूक-ए-बलूचिस्तान का जो आगाज़ किया गया, हुकूक-ए-आगाज़-ए-बलूचिस्तान के नाम से एक पूरा पैकेज आया था पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर PMLN के दौर में भी इसी तरह एंगेजमेंट रही है, एंड देन आई थिंक PTI इज़ कॉन्टिन्यू। और अभी भी इस गवर्नमेंट ने, स्पेशली बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है, बट स्टिल यू नो देर आर लॉट ऑफ गैप्स, जिसका मैं जिक्र करूँगा। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं स्पेशली अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स, वो आप कॉन्टिन्यू करें। इसमें प्रिवेंशन भी है और ऑफेंसिव ऑपरेशन भी हैं। प्रिवेंशन में अभी आपने देखा है कि जब कभी यू नो अगर धमाका होता है या कोई टेरर एक्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, एजेंसियाँ सो रही हैं, फलाना कर रही हैं, बट मेनली दे ऑल्सो प्रिवेंट यू नो हंड्रेड्स ऑफ टेरर अटैक्स यू नो इन अ ईयर। अगर आप देखें हर महीने शायद अपना दर्जनों जो है अटैक्स प्रिवेंट किए जाते हैं, तो उस लिहाज से जनरली यू नो आई वुड से कि उनका बड़ा टफ काम है। तो इनके एक स्ट्रीम यह है कि ये इनको एंगेज भी करेंगे, ये नेटवर्क्स को पेनिट्रेट करेंगे और डिसमेंटल करेंगे। लाइक अभी जब अगर इसकी शाम्बे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आएगी इसके जरिए जो है बाकी नेटवर्क्स को पेनिट्रेट किया जाएगा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन तो स्मैश हो जाएगी। सो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की स्ट्रीम। तीसरी स्ट्रीम है एंगेजिंग द यूथ एंड इवन नाराज बलोच, हमारे जो भाई हैं जो पहाड़ों में निकल गए हैं किसी के कहने पर, उनको एंगेज किया जाए, एंड दे आर आई थिंक ऑलरेडी बी एंगेज। इवन जो इनकी सीनियर लीडरशिप बाहर बैठे उसको भी हमारे जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं बलूचिस्तान के, उसके थ्रू एंगेज किया जा रहा है। सो दीज आर द थ्री यू नो आई वुड से स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर स्पेशली पहली और जो तीसरी है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लाइक ब्लू यूथ को आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, सी पैक है उसकी डेवलपमेंट है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हेल्थ एजुकेशन के मामले में कहाँ तक हम उनको हेल्प कर रहे हैं, मेन स्ट्रीमिंग के लिए आप कैसे ला रहे हैं, उसके अंदर बेशुमार प्रोग्राम है। और जो पहली है पॉलिटिकल लेवल की या नेशनल लेवल पे, उसमें भी फोकस का अभी इस वक्त आई वुड से फुकदान तो नहीं है, लेकिन फोकस पे इशू है। फॉर इंस्टेंस व्हाट इज़ द फोकस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ KP पंजाब, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर पे उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं या ज़्यादा उनकी एनर्जी लग रही है लेट्स से पॉलिटिकल क्योस को मैनेज करने में। तो इसके अंदर नेशनल लेवल पे एक तो वी शुड बी हैविंग अ रिजॉल्व कि बाय पार्टिजन अप्रोच के जरिए जहाँ तक टेररिज्म है या इस तरह के नेटवर्क्स हैं वहाँ पे दिल बी नो कॉम्प्रोमाइज़। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, ISI है, आर्मी है, FC है, IB है, बलूचिस्तान पुलिस है, लेवीज हैं, जिनको काम करने दिया जाए और पूरा लेवरेज दिया जाए। सो आई थिंक इफ ऑल थ्री स्ट्रेटजीज वर्क, या तीनों जो स्ट्रीम्स हैं स्ट्रेटजी की काम करेंगी तो बहुत इफेक्टिवनेस होगी। और अगर आप एक्सटर्नली भी देखें, नेशनल लेवल पर आपने बाहर भी देखना है, लाइक ईरान सऊदी रिप्रोचमा हो रहा है और उसके अंदर वी हैव लॉट ऑफ गुड स्पेस विच इज़ बीइंग क्रिएटेड, जो आपके सेक्टेरियन अंडरकरंट्स हैं वो भी कर्ब हो जाएंगे, तो उसके अंदर बड़ी स्पेस मिलेगी।